हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक ही जाजम पर बैठे नजर आए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, राजस्थान की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार को एक ही जाजम पर बैठे नजर आए। दोनों के बीच संवाद भी हुआ लेकिन बहुत सीमित। मौका था अशोक गहलोत के बड़े भाई कंवर सेन गहलोत के निधन पर तीए के उठावने का। इस उठावने में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गहलोत से मुलाकात कर उनके भाई के निधन पर शोक जताया। इसके बाद वे शोक सभा में बैठी रहीं। इस दौरान दोनों के बीच कंवर सेन गहलोत के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। इससे पूर्व सचिन पायलट, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, बड़ी संख्या कांग्रेस नेताओं ने शोक सभा में हिस्सा ले कंवर सेन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने गहलोत की पत्नी सुनीता और अन्य परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह करीब 12:15 बजे जोधपुर पहुंची। एयरपोर्ट से ही वे हेलीकॉप्टर में जसोल के लिए रवाना हो गई। जसोल में उन्होंने माता रानी भटियाणी मंदिर में दर्शन किए। वहां से वे आसोत्रा स्थित ब्रह्मा धाम पहुंची। यहां मंदिर के दर्शन कर उन्होंने गाड़ीपति से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने नाकोड़ा जैन तीर्थ में दर्शन किए। व्यस्त कार्यक्रम में तीनों मंदिर में दर्शन कर वे जोधपुर लौट आईं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।